संगीत के क्या महत्व है? इस संगीत का ये होली होती है, जब ये संगीत पुरानी संस्कृति है। तो आप कहाँ से आए हैं? ये हम कामर से आए हैं, कोसी के पास से। कोसी के पास से हर साल आते हैं? हर साल आते हैं जी। हम देख रहे हैं लाखों की संख्या में यहाँ पर होली खेलने के लिए लोग आते हैं, और आप यहाँ नगाड़ा बजाने के लिए अक्सर आते हैं होली में। क्या मान्यता है यहाँ पर? मान्यता अच्छा लग रहा है, होली मनाई जा रही है, महोत्सव मनाया जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार हो जाए। प्रवीण अग्रवाल, जरा बताइए अलग अलग जगहों पर हम देख रहे हैं, यहाँ भी नगाड़े बज रहे हैं, गलियों में नगाड़े बज रहे हैं, ये एक तरह से कोई मैसेज है? यहाँ पर तो ये विशेष प्रयोजन के लिए नगाड़े बजाए जा रहे हैं। आज सबसे बड़ी सवारी की शुरुआत होती है वृंदावन में, इस नगाड़े के बाद ही सवारी की शुरुआत होती है। नगाड़े की शुरुआत होगी, सवारी के लिए नगाड़े आए हैं। और कौन सी सवारी होती है? ये रास मंडल से शुरू होती है, यहाँ महाराज जी है इनके यहाँ से ये सवारी स्टार्ट होती है और पूरे वृंदावन में घूमती है, जिसमें राधा रानी के स्वरूप के रूप में राधा रानी विराजमान होते हैं और बग्घी के ऊपर चलती है सवारी, और उसी बग्घी से रंग गुलाल पूरे वृंदावन पर ब्रज में जो है उड़ाया जाता है, और ये सवारी पूरे वृंदावन को घूमती हुई फिर यहीं पर आके इसी महाराज जी के यहाँ पर आके इसका विश्राम होता है। तो इस सवारी के बाद ही पिचकारी की होली शुरू होती है। इस विश्राम जब ठाकुर जी विराजमान हो जाते हैं यहाँ पर आके, उसके बाद ही ये पूरे ब्रज में आज से पानी वाली होली की शुरुआत। तो इसकी कोई मान्यता है नगाड़े की? ये नगाड़े सालों से इसी प्रकार से पहले नगरी में बजाया करते थे होली के दौरान। बैंड बाजा सुना था आपने? आप ये नगाड़ा प्राचीन जो परंपरा है वो नगाड़ा है, नगाड़ी था पहले वो, इसी नगाड़ा जी भाई। पिचकारी की होली शुरू होने वाली है, ये एक तरह से बताया जा रहा है, इसके बाद संदेश दिया जाता है। इसके बाद बताएं मान्यता क्या है यहाँ पर आकर होली मनाने का? हम देख रहे हैं लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं होली खेलने के लिए, कितने घुमा रहे हैं? राधा रानी और श्री कृष्ण की होली ब्रज में होती आ रही है और ये तो पूरे ब्रह्मांड में मशहूर है, तो सभी लोग उसका भागीदार बनना चाहते हैं, इस ब्रज के अंदर आके होली खेलकर। उनको ऐसा लगता है कि हम ठाकुर जी के साथ होली खेल रहे हैं और उनके साथ ही हम लाड़ लड़ा रहे हैं, ऐसा मान्यता सबकी होती है। तो जरा सवारियों को जिस प्रकार से नगाड़ा बजाकर बुलाया जाता है, एक बार हम आपको वो भी सुनवाएंगे। तो जरा हो जाए एक बार नगाड़े की धुन, जिसके बाद पिचकारी की होली शुरू हो जाएगी।